हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस उसे पदयात्रा नहीं बल्कि प्राश्चित यात्रा बता रही है। नेताओं का आरोप है कि कोरोना संक्रमण के दौरान आम जनता जरूरी दवाओं के लिए रोती बिलखती रही और उस समय सरकार ने कुछ किया नहीं। साथ ही लोगों को लंबे चौड़े बिजली के बिल थमाए गए, उनसे जबरन वसूली की गई। ऐसे में पदयात्रा की नौटंकी काम आने वाली नहीं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनकी पदयात्रा धार्मिक है, लेकिन वो सरकार में है, इसीलिए उनका धर्म सेवा करना है। इसमें कांग्रेस की पीठ में दर्द क्यों हो रहा? नेता तो नहीं, अभिनेता बहुत अच्छे हैं और अभिनय करने ही निकलते हैं। उनके स्वयं के जो ऊर्जा विभाग है वो प्राण है किसी भी राज्य का या किसी भी संस्था का। वहाँ पर तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, गरीब परेशान है, अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति जो है उसके बिजली के बिल में कुड़की कराते हैं। अब वो क्या मखौल उड़ाने जा रहे हैं, पदयात्रा में क्या करने जा रहे हैं? पदयात्रा में है आलोचना नहीं करना चाहता किसी, परंतु आप ये बताओ, अभी सत्र वर्तमान का हुआ था विधानसभा में, जो जनता की आवाज़ विपक्ष को उठानी चाहिए, उन अपनों के लिए जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा नहीं करना चाहिए।